सुबह ईद है और मैं भी सो के उठ रहा हूँ। मैं उठा तो मुझे याद आया कि मैंने बाबा के लिए कुछ कैश मंगवाना है बैंक से। तो जितने भी मेरे बैंक वाले दोस्त हैं सबने बेवफाई की। तो मेरे जहन में आए डॉक्टर इद्रीस। मैंने डॉक्टर इद्रीस साहब को बोल के मैंने कहा सर कुछ पैसे चाहिए बिल्कुल फ्रेश। तो उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे ये वाला कैश जो है बिल्कुल अभी प्रोवाइड किया है। तो मेरा ये मानना है कि जब बाबा के हाथ में जाएंगे ना ये वाले पैसे, तो बाबा ने वैसे ही बांटने हैं भाई। बाबा ने छोटे छोटे बच्चों को बड़े बड़े बच्चों को जाके ये बांट देने, तो मेरे ख्याल से इट्स इनफ फॉर बाबा। तो बाबा की जो खुशी है ना उसमें मेरी खुशी है। और रही बात कल ईद है, जिन लोगों ने रोजे रखे हैं, सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया है, तो फिर आपको भी भैया मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद उल फित्र की जो नमाज का वक्त हमें बताया गया वो यहाँ पर 8 बजे है। मैं अपनी बच्चा पार्टी के साथ जा रहा हूँ ईद उल फित्र अदा करने के लिए, और अभी बाबा और बड़े भाई तारिक भाई भी आ रहे हैं, तो हम सब इकट्ठे ईद उल फित्र अदा करने जाएंगे। ये भी ईद है ना पाकिस्तान में, तभी शोर वोर चल रहा है। तो मार साहब हजारों दिलों की धड़कन, मार साहब क्या कहना चाहेंगे ईद पे पब्लिक को आप? कुछ तो कहें। वो अंकल कह रहे हैं कि ईद मुबारक ही कह दो। मार साहब क्या कहना चाहेंगे? ईद मुबारक। हाँ बस फ्री ऑफ कॉस्ट ईद मुबारक। ईद नमाज पढ़ के, खाना खा के, लस्सी शस्सी पी के, मिठाई विठाई खा के, बोतल मैंने पीनी है। माइट बी पॉसिबिलिटी कि आपके माइंड में आ रहा होगा कि वालिद साहब और अब्दुल कदीर आज भी खेतों पर क्यों गए, ईद के रोज खेतों पे कौन जाता है? तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे वालिद साहब के 2 भाई रहते थे वहाँ। रहते थे से मुराद ये है एक की उनमें से डेथ हो चुकी है और दूसरे मौजूद है जिन्होंने भी आपको ईद मुबारक कहना है। ईद मुबारक। वालिद साहब ने कहा कि उनकी फैमिलीज को जाके मिला जाए, उनको ईदी दी जाए, उनकी खुशियों में उनके गमों में शरीक हुआ जाए। सो दैट्स द रीजन आज जमींदार ये जमीने देखने नहीं गए बल्कि ईदी मिलने गए हैं। और आज हमारे साथ निक्का जिम्मेदार नहीं है, निक्के जिम्मेदार से थोड़ा बड़ा जिम्मेदार है। ये रहा मलिक फाद। मलिक फाद आप निक्के जिम्मेदार हो? नहीं, ये निक्का जिम्मेदार। क्या हो आप? निक्के से बड़ा। निक्के से बड़ा। मैं निक्के जिम्मेदार से बड़ा जिम्मेदार। जब जमींदार वाले ब्लॉग की शूटिंग हो रही थी तो तब हम अपनी जमीनों पे आए थे, और तब जो गंदम की सूरत हाल थी वो सब्ज थी, सर सब्ज़ो शादाब थी, लेकिन आज येलोइश पक चुकी है गंदम। मतलब आज या कल ही इसको हाथ लग जाएगा। आज तो ईद का दिन है, मेरे ख्याल से ईद के दूसरे दिन से गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। धूप खासी ज्यादा है, वो येलोइश कलर के जो साइनेमैटिक है तो उनका वक्त हुआ चाहता है। देहात की लाइफ में बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इस गाय ने या फिर वो जो बैठी हुई भैंस है दीवार पे चढ़ के कैसे ये कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं आराम से घर में बैठ के ना अपना व्लॉग एडिट कर रहा था और मार साहब आए हुए थे एज ए गेस्ट, तो मार साहब वेलकम टू यू। इसी स्नान में बाबा ने कहा कि ईद का पहला दिन है, मोबाइल चला रहे हो सुबह से बैठ के, चलो घूमने फिरने चलते हैं। तो भैया बस ये बाबा है और बाबा के साथ में बाबा के दोस्त हैं, फिर हम जा रहे हैं एक और दोस्त के पास। तो गाजी घाट वाली पुल डीजी खान, ये सुना होगा आपने, तो वहाँ चल के फिर आपसे बात करते हैं आगे की ईद का पहला दिन कैसे मनाते हैं। गाजी घाट ब्रिज ये डीजी खान को मुल्तान से लिंक करता है। जो डीजी खान की सकाफत है उसमें नंबर 1 पर आती है नरोजी, जिसे पशावरी चप्पल या फिर कप्तान चप्पल भी कहते हैं। नंबर 2 पर आती है बड़े वाली शलवार, बल्लों वाली शलवार भी कहते हैं उसे। और नंबर 3 पर आता है होंडा 125। अगर आपके पास ये 3 चीजें नहीं है तो आप डीजी खान में नहीं रह सकते। थैंक यू सो मच अंकल की तरफ से भाई ये मुल्तानी कुल्फी।
डीजी खान में भी मुल्तानी कुल्फी अवेलेबल है। कुछ लोग अपनी बाइक पे वन व्हीलिंग कर रहे थे और उसके बाद पुलिस आई और फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। बाबा के फ्रेंड्स ने अभी मछली ऑर्डर की है, बल्कि कर रहे हैं। ये जो भाई हैं ये ऑर्डर लेकर अभी जा रहे हैं। आई होप कि अच्छी फिश आ रही है, उसके साइनेमैटिक बनाते हैं और फिर उसे अच्छे से खाते हैं। तो हमारी जो पहली ईद है वो शाम में मछली के संग है। जब मैं अपने WhatsApp पे गया तो फील लाइक अ सेलिब्रिटी, मुझे फील हुआ कि भाई आपका जो भाई है ना छोटा मोटा स्टार नहीं है बल्कि सुपरस्टार है, इतने ज्यादा मैसेजेस। तो अब कहानी यह है कि इस व्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं और WhatsApp पे जिन लोगों के मैसेजेस आए हैं उनको खैर मुबारक कहते हैं, जजाकल्ला कहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का भी ख्याल रखिएगा अगर हैं तो।